Hey everyone, welcome to ClatPoint and let's start आज का द हिंदू न्यूज डिस्कशन। काफी कुछ है पढ़ने के लिए, काफी कुछ है सीखने के लिए, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले आज की जो फ्रंट पेज से एक न्यूज है द हिंदू के कि द 3 सीनियर ऑफिसर्स टेकन ऑफ पोस्ट एज आर्मी प्रोब सिविलियन डेथ। देखो, एक वीडियो अभी वायरल हुई है 15-20 सेकंड की, जिसमें जिन लोगों ने ऐसा कुछ किया है उन्होंने आर्मी की ड्रेस पहनी हुई थी। अभी इसमें कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि असलियत है, नकली है, मॉव्ड है, क्या है, बट इस तरीके की वो वीडियो थी। और उसमें जो कुछ आपके जिनके ऊपर मिलिटेंसी के आरोप लगे थे, जो लोग पुलिस उस समय आर्मी के अरेस्ट में थे, उनको मारा गया है, फिर उनके ऊपर मिर्ची विर्ची छिड़कने की, कुछ इस तरीके की वीडियो है। मतलब बहुत ही वो हीनियस टाइप की वीडियो है, बट अभी इसका कुछ कन्फर्मेशन नहीं है कि वो वीडियो एक्चुअल है, गलत है, क्या है। तो उसके बाद से जो है काफ़ी अभी जम्मू कश्मीर में और आपका उथल पुथल मची हुई है, तो उसी की ये न्यूज़ है। बहुत एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव का नहीं है, बट ठीक है, पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए, जयशंकर जी जो हैं वो रशिया विजिट पर गए हैं। 5 डे की ट्रेड टाइज जो हैं वो एजेंडा में हो सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। एस जयशंकर जी जो हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, और ये अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, और ये अभी रशिया गए हुए हैं। तो ऐसे जब मीट्स होती हैं तो उसमें कुछ ना, देखो एक चीज़ है, आप लोग सभी लोग तैयारी कर रहे हो, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि हर चीज़ नोटबुक में नहीं डालनी वाली होती। जैसे ये सब है, ये सब समझ लो बस, क्योंकि अगर कुछ करंट में न्यूज़ आगे बढ़ेगी तो वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट अपने को बस इसमें कुछ नोट डाउन करने वाला चीज़ नहीं है। नोट डाउन वाला आपको अपने आप कुछ दिन में जैसे करते रहोगे ना, तैयारी समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फिर देखिए, चाइना ऑफर्स काउंसलर एड टू अरेस्ट वीवो स्टाफ। तो देखो, वीवो के कुछ स्टाफ जो हैं वो इंडिया में अरेस्ट करे गए थे, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस थे। तो हर कंट्री में ना, देखो सामने वाली कंट्री की एक होती है एम्बेसी और एक होती है कॉन्सुलेट्स। एम्बेसी का काम क्या होता है, वो ये होता है कि भाई दोनों कंट्रीज़ के आपसी रिलेशंस को मेंटेन रखना, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो। जो कॉन्सुलेट्स होती है ना, बेसिकली उसका पर्पस ये होता है कि भाई आपके देश का नागरिक कोई दूसरे देश में परेशान है तो आप उसकी मदद करिए। वहाँ पे काउंसलर एक्सेस प्रोवाइड होती है और वो लोग मदद करते हैं। तो वही अभी चाइना की काउंसलर एड प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है वीवो के स्टाफ को, जिनको भारत में भी अरेस्ट किया गया है। तो वो ये न्यूज़ है। इफ़ यू रिमेंबर, कुलभूषण जाधव जी का जो एक केस था, कुलभूषण जाधव जी भारत के नेवी के ऑफिसर थे, जिनको पाकिस्तान ने ईरान से गिरफ्तार कर लिया था या फिर किडनैप कर लिया था, ऐसा इंडिया कहता है। पाकिस्तान ये बोलता है कि भाई ये रॉ के एजेंट थे, बलूचिस्तान में पोस्टेड थे, हमने इनको यहाँ से पकड़ लिया था। तो उसमें भी भारत ने यही बात रखी थी कि हमें काउंसलर एक्सेस नहीं दे रही है पाकिस्तान कुलभूषण जाधव जी से मिलने का, जब पाकिस्तान ने उनको अरेस्ट कर लिया था। फिर जब मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था, तब वहाँ पर भारत को काउंसलर एक्सेस भी प्रोवाइड हुई थी। तो ये वाली वही काउंसलर की यहाँ पे ही बात हो रही है। इसके बाद देखिए, कर्नाटक गवर्नमेंट टू गो स्लो ऑन रिवोकिंग हिजाब बैन अदर कॉन्ट्रोवर्शियल इशू। देखो अभी क्या हुआ, कर्नाटका में इलेक्शन हुए हैं और सत्ता पलट हो चुका है, लेकिन 2024 के भी इलेक्शन है। तो इस तरीके के जो डिसीजन प्रीवियस गवर्नमेंट ने लिए थे उसको अभी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया जा रहा है करेंट रेजिमा के द्वारा, जस्ट बिकॉज ऑफ 2024 इलेक्शन। तो इस तरीके की न्यूज़ है, एग्ज़ाम का यहाँ भी कोई पर्सपेक्टिव है नहीं। अब कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक जो है शिप है, ऑयल टैंक शिप थी इंडिया की, वो आ रही थी, उस पर अटैक हुआ था ड्रोन का। तो उसका नाम था चैम प्लूटो, ये एक आप डाल सकते हो शॉर्ट में। और कहाँ से ये ड्रोन अटैक है, क्या है, ये तो अभी एग्जैक्ट कुछ डिटेल है नहीं, बट ये वाली ये न्यूज़ है छोटी सी, तो ठीक है। इसके बाद है, इसराइल एयर स्ट्राइक्स किल 101 ऑफ वॉर डेडलीस्ट नाइट। तो देखो, आपको पता है इसराइल पैलेस्टीन का मामला चल रहा है। अब बहुत सारे बच्चे, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि सारे ही फ्रेश ऑफ न्यू स्टूडेंट्स हैं जो भी सेशन को देख रहे हैं, तो उन्हें इसराइल पैलेस्टीन का इशू ही नहीं पता होगा, तो ये कंटेक्स्ट तो क्या ही समझेंगे। देखो, शॉर्ट सी बात है कि ये सब न्यूज़ ना एग्ज़ाम में नहीं आती है, एग्ज़ाम में वही आएगा जो इसराइल पैलेस्टीन का इशू है। यहाँ पे हुआ क्या है, क्योंकि इसराइल पैलेस्टीन का इशू चल रहा है, तो यहाँ पे ये अभी उसी वॉर को आगे बढ़ते हुए अभी फिर कुछ अटैक हुए हैं, कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। बट अपना मेन कंसर्न ये कि इसराइल पैलेस्टीन इशू क्या है, कैसे इसमें क्या चीज़ें हुई, बेसिक से लेकर एंड तक सबको समझने की अब कोशिश करते हैं, इसको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2022 के अंदर एक रिजोल्यूशन पास किया था, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे ये मैटर भेज दिया था कि ये जो पैलेस्टीन लैंड के ऊपर इसराइल का ऑक्यूपेशन है, ये सही है कि नहीं है, आप बताओ। उसके बाद क्या हुआ, जब भी ऐसा मैटर आईसीजे पे जाता है ना, तो दो चीज हो सकती है। पहला क्या हो सकता है, पहला हो सकता है कि इट कैन आइदर लीड टू अ सेटलमेंट विद अ पार्टी विड्रॉइंग इट्स केस, दोनों में से कोई सेटलमेंट हो जाए, या फिर
इट कैन लीड अ ट्रायल फॉलोड बाय अ वर्डिक्ट। आईसीजे का वर्डिक्ट ये तो है कि बाइंडिंग होता है, लेकिन इन्फोर्स नहीं कर सकती आईसीजे। मतलब कह दिया आईसीजे ने जो यूएन के सब बंदों पे बाइंडिंग है, लेकिन इन्फोर्स कैसे कराएगी? कोई लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा कंट्रोल कर रही है। तो जैसे अभी रशिया नहीं सुन रहा है तो नहीं सुन रहा है, तो वो वाली बात है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसराइल की, तो आपको पता होगा कि इसराइल जो है वो ज्यूस जो लोग हैं उनका मोस्टली जो रिलीजन है वहां पे वो ये है, जिसको जुडिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा देखो इस मैप को, देखना समझने की कोशिश करते हैं इसराइल का स्ट्रक्चर, लोकेशन, और क्या पैलेस्टीन इसराइल के बीच में प्रॉब्लम है। इस मैप से बहुत कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो ये आपका इसराइल है येलो वाला, इसमें जो ये पिंक वाला एरिया है ना, ये भी इसराइल के अंडर में कंट्रोल में है। ठीक, आप दोनों में देख सकते हो। अब ये थोड़ा सा बस अभी यहाँ पे आप जो मैं बोल रहा हूँ उतना समझो, दिमाग में कुछ मत लाओ, क्योंकि अभी हम पूरा पॉइंट समझेंगे। बस जो मैं कह रहा हूँ कंट्रीज के नाम ध्यान रखो, इधर कौन है जॉर्डन, इधर है इजिप्ट, ठीक है, ये जगह जो है इसको गाजा बोलते हैं, ये जगह जो है ये जेरूसलेम कहलाती है, ये है वेस्ट बैंक, ये है गोलन हाइट्स, और इधर आपका मेडिटेरियन सी है। ठीक है, अब अपन वापस आते हैं आर्टिकल के ऊपर और समझने की करते हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कैसे ये पूरा का पूरा वॉर जो है ये हुआ या शुरू हुआ। तो इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को ना आज से 100 साल पहले ले जाओ, 100 साल पहले से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना ये दोनों कंट्रीज के बीच में चल रही है, बिटवीन कंट्रीज बोल रहा हूँ, बिटवीन टू कम्युनिटीज चल रही है, ज्यूइस एंड अरब्स। अरब्स मोस्टली मुस्लिम्स थे एंड ज्यूइस आपके अलग एक रिलीजन होता है। तो ज्यूइस एंड अरब्स के बीच में एक पीस ऑफ लैंड को लेके काफी समय से युद्ध चल रहा है, बिटवीन जॉर्डन रिवर एंड मेडिटेरियन सी। यहाँ पे लिखा है जॉर्डन रिवर की लोकेशन ना कहीं कुछ आपको इस जगह पे मिलेगी, इधर कहीं है, और ये आपका मेडिटेरियन सी है, तो इसके बीच का जो लोकेशन है उसको लेके लड़ाई चल रही है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। 1882 से 1948 की बात है, कब की? 1882 से 1948 की बात है, जब ज्यूज अराउंड द वर्ल्ड गैदर हुए, कहाँ पे? आपका इसराइल, प्रेजेंट डे इसराइल, या फिर उस समय पैलेस्टीन कहते थे, वहां पे सारे ज्यूज जो हैं पूरे वर्ल्ड के गैदर हुए। ठीक है, इस मूवमेंट को कहा जाता है क्या? अलियास, ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? अलियास। ठीक है, देखो हो क्या रहा था, ज्यूज के साथ ना पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो भी हम अभी देखेंगे, जैसे हिटलर थे या फिर और भी जो मुस्लिम कम्युनिटीज थी वो उनको बहुत तंग करती थी। तो ज्यूज ने अपनी सेफ्टी के लिए स्टार्ट होना इकट्ठा किया पैलेस्टीन में, जिसको प्रेजेंट हम इसराइल के नाम से जानते हैं। तो 1917 ऑटोमन एम्पायर फेल आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। ऑटोमन एम्पायर आपको पता है प्रेजेंट डे टर्की, उस समय बहुत बड़ा एरिया ऑटोमन एम्पायर के पास होता था, उससे पहले रोम होता था, लेकिन रोम के बाद ऑटोमन एम्पायर आया था, हिस्ट्री का पार्ट है, अगर 11 12 में हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पता है, वरना कोई बात नहीं इग्नोर करो, ये जानो ऑटोमन एम्पायर टर्की प्रेजेंट डे है। 1917 में ऑटोमन एम्पायर नीचे खत्म हो रहा था, इनका जो वर्चस्व था वो खत्म हो रहा था, जैसे मुगलों का वर्चस्व एक पॉइंट पे खत्म हुआ ना, वैसे ऑटोमन एम्पायर का खत्म हो रहा था, और ब्रिटिशर्स ने, यूके ने कंट्रोल ले लिया किसका? पैलेस्टीन का, जो समय पूरा पैलेस्टीन एरिया था। फिर क्या हुआ, वहां पे ज्यूइश कम्युनिटी जो थी वो माइनॉरिटी में थी, अरब मतलब मुस्लिम्स जो थे वो मेजॉरिटी में थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, बेलफोर डिक्लेरेशन हुआ 1917 में, जिसमें यूके के थ्रू ये बात कही गई कि भाई ज्यूइस इन पैलेस्टीन हम होम बनाएंगे, मतलब ज्यूस कम्युनिटी के लिए पैलेस्टीन में रहने की व्यवस्था करी जाएगी, पर जो मेजॉरिटी थी उस समय अरब्स, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई थी, पर ज्यूस जो है वो इसके फेवर में थे, वो इस बात को मानते थे, लेकिन आपके जो पैलेस्टीनियंस थे या फिर जो उस समय के मुस्लिम्स थे वहाँ पे, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। ऑलमोस्ट 6 मिलियन ज्यूस जो हैं उनकी हॉलोकास्ट की वजह से अपना घर खाली करना पड़ा, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ भी खोई, 6 मिलियन के आसपास लोगों को जहाँ भी वो रहते थे वो सब तबाह हो गया, एंड इसके वजह से एक सेपरेट ज्यूस स्टेट की डिमांड भी बढ़ी। हॉलोकॉस्ट क्या है, पहले इस पे अब आ जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है लेकिन मैं बता देता हूँ, हिटलर का आपको पता है ना, हिटलर जो है ना उसको कहीं ना कहीं बैकिंग भी मिली हुई थी उस समय जो अरब कंट्रीज थी उनके द्वारा, और उसने बहुत सारे ज्यूसों को मारा। आपने गैस चैम्बर वाला इंसिडेंट देखा होगा, जहाँ पे ये शूज इस तरीके के पड़े रहे, मतलब दिखते हैं, ऐसी फोटोज हमने हिस्ट्री किताबों में देखी कि कितने सारे लोगों को गैस चैम्बर में भर भर के उन्होंने सबको मार डाला। तो हिटलर जो है ना उनके द्वारा इस पूरी चीज़ों को किया गया था, जिसको हॉलोकॉस्ट कहते हैं। बहुत सारी अरब कंट्रीज आज की डेट में हॉलोकॉस्ट को मानती ही नहीं है, वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और ये ज्यूस लोगों ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है जिससे कि वो पैलेस्टीन पे अपना कब्जा कर सके, इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ थी।
फिर वापस आ जाते हैं टॉपिक पे. जूस क्लेम्ड पैलेस्टीन टू बी देयर नेचुरल होम व्हाइल द अरब्स टू डिड नॉट लीव द लैंड एंड क्लेम्ड इट. इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जूस का सपोर्ट किया क्योंकि आपको मैंने बताया पूरे वर्ल्ड में बहुत जगहों पर इनको तंग किया जा रहा था, होलोकॉस्ट हुआ, तो इनको सेफ्टी के लिए कहा कि चलो ठीक है तुम्हें कंट्री बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है. तो 1947 में यूएन ने पैलेस्टीन को स्प्लिट करने के लिए वोट किया, ठीक है, जिसमें सेपरेट ज्यूइश एंड अरब स्टेट बनाने की बात करी, जिसमें जेरूसलेम जो है वो इंटरनेशनल सिटी रहेगी, वो दोनों में से किसी को भी नहीं देंगे. जेरूसलेम क्या है, मैंने मैप में दिखाया था आपको, याद कर लो, एक बार फिर से बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट दोनों कंट्रीज के लिए क्यों है. जैसे पैलेस्टीनियंस के लिए क्यों है जेरूसलेम इंपॉर्टेंट, और क्यों आपका ये जो देख रहे हो ना, तो ये क्यों पैलेस्टीनियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्यों ज्यूइश कम्युनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है. जेरूसलेम के अंदर ना दोनों ही लोगों के, दोनों ही रिलीजन के इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स हैं, जो दोनों ही कंट्री क्लेम करती हैं, ठीक है. अब मैं आऊंगा इस पर जेरूसलेम पे भी, लेकिन पहले हिस्ट्री पे ही चलते हैं, हिस्ट्री समझते हैं, ठीक है, वो जरूरी है. तो ज्यूइश कम्युनिटी के द्वारा ये वाला प्लान तो एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन जो पैलेस्टीनियंस थे वो इस मानने को तैयार नहीं थे. और इसके बाद क्या हुआ, फिर वॉर शुरू हो गई. फिर क्या हुआ, 1948 में जब ब्रिटेन ने अपना कंट्रोल खत्म किया पैलेस्टीन्स के ऊपर, तो ज्यूइस डिक्लेयर्ड द क्रिएशन ऑफ इसराइल. ज्यूइस ने कहा कि भाई ये इसराइल है, अब हम इसको इसराइल का नाम देंगे, जिसके ऊपर आपके जो पैलेस्टीनियंस थे, जो समय के मुस्लिम्स लोग थे वहां के, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया. और फिर क्या हुआ, वॉर हुई दोनों के बीच में, ठीक है. सिर्फ यही नहीं, जो अड़ोसी पड़ोसी कंट्रीज थे ना, वो जो अरब्स थे, उन्होंने भी इन्वेड किया, उन्होंने भी कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियंस का सपोर्ट करके इन ज्यूइस को दबाने के लिए वॉर में पार्टिसिपेट किया. तो अरब ऑल्सो इन्वेडेड एंड वर थ्रेस्ड बाय इजरायली ट्रूप्स, उस समय ऐसा हुआ. और इसकी वजह से काफी सारे पैलेस्टीनियंस जो हैं वो उस जगह पे छोड़ के चले गए. देखो एक बात है, इसराइल ना संख्या में बहुत कम थे उस समय, लेकिन उन्होंने टक्कर बहुत तगड़ी दी 1948 में भी, उन्होंने टक्कर दी अच्छे से. फिर उसकी वजह से काफी सारे जो पैलेस्टीनियंस थे वो वहां से छोड़ के बाहर फ्ली हो गए. इसके बाद भी चीजें थमी नहीं. फिर देखो क्या हुआ, इस चीज को क्या बोलते हैं, अल नकबा और द कैटास्ट्रॉफी, जो वॉर हुआ था जिसकी वजह से बोला जाता है कि काफी सारे पैलेस्टीनियंस को मार दिया गया था इसराइल के द्वारा, तो इसको अल नकबा और कैटास्ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं. इसराइल को मैक्सिमम कंट्रोल मिल गया था पूरे टेरिटरी का. यहां पे देखो ये जो मैप है ना, ये जो एरिया था ना, ये सब इसराइल के कंट्रोल में आ गया था, बट ये 1967 के वॉर के बाद आया था. अब आप कहोगे सर 1967 में वॉर क्यों हुआ, उस पर भी मैं आ जाता हूँ. सिक्स डे वॉर या सेवन डे वॉर बोलते हैं उसे, मेरे को दिमाग से निकल रहा है, ठीक है. तो हुआ क्यों, जॉर्डन ने देखो क्या किया, जॉर्डन पड़ोसी देश था, मैंने आपको बताया था, उन्होंने जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है उस पर कब्जा कर लिया, इजिप्ट ने गाजा वाला एरिया पर कब्जा कर लिया, और इसी तरीके से जेरूसलम जो है डिवाइड हो गया बिटवीन इसराइल एंड वेस्ट इन जॉर्डन इन द ईस्ट. देख लो, पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैप देखना बहुत जरूरी है, मैप से ना चीजें समझ में बहुत जल्दी आती हैं. तो ये आपका देखो क्या है, ये जेरूसलम था, ठीक है, ये वेस्ट बैंक हो गया और ये गाजा हो गया. तो ये इजिप्ट यहां पे आ गया, जॉर्डन यहां पे आ गया, दोनों ने इस पे कैप्चर कर लिया. फिर क्या होता है, 1967 में आपकी इसराइल की फोर्सेज ना अकेले इन सब कंट्रीज से फाइट करती है, जो भी इनके अड़ोसी पड़ोसी अरब्स जितने भी थे जो इनके अगेंस्ट में खड़े थे, ठीक है. अब यहां पे क्या लिखा, इसराइल फोर्सेस कैप्चर्ड ईस्ट जेरूसलम एंड द वेस्ट बैंक, वेरियस एरियाज ऑफ द सीरियन ग्लोबल हाइट्स, गाजा एंड द इजिप्शियन सिनाई पेनिनसुला इन द ईयर 1967. इसको 1967 का वॉर या फिर आई थिंक सेवन डे वॉर बोला जाता है, इसको कंफर्म करके कमेंट में बता देना. देखो हुआ क्या था, मैं बताता हूँ. ये सब चारों तरफ से घिरे हुए थे यार ये इसराइल वाले, और संख्या में भी कम थे, लेकिन सबको टक्कर कैसे दे दी इन लोगों ने ना, उनके अटैक करने से पहले ही उन पर अटैक कर दिया. और बहुत ही स्मार्ट लोग हैं यार इसराइल के. आज की डेट में अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज भी देखो ना, इसराइल वन ऑफ द टॉप टेक्नोलॉजी वाला कंट्री है वर्ल्ड में. प्लस आपको याद होगा कि एक बार ओलंपिक्स में इनके खिलाड़ियों को टेररिस्ट ने मार दिया था, तो उसके बाद अगले 20 साल 25 साल एक एक टेररिस्ट जो जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको ढूंढ ढूंढ के मारा है इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने, जो अपने आप की टॉप 2-3 खुफिया एजेंसीज में वर्ल्ड की है. तो बहुत पावरफुल कंट्री है इसराइल आज की डेट में, कोई जल्दी टक्कर लेने की सोच नहीं सकता है. बट उस समय जब सबने मिलकर इनको तंग किया ना, तब भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजों को टैकल किया. आज की क्या सिनारियो है, तो इसराइल स्टिल ऑक्यूपाइज द वेस्ट बैंक एंड गाजा से इन्होंने पुल आउट कर दिया है ऑफिशियली, लेकिन अभी भी इनके वहां पे कंट्रोल है.
ऑल ऑफ जेरूसलम जो है वो पूरा का पूरा इसराइल अपनी कैपिटल बताता है, लेकिन पैलेस्टीनियंस जो है वो कहते हैं कि हमारी फ्यूचर कैपिटल है। देखो क्या है ना, जेरूसलम पहले कोई भी इंटरनेशनल कंट्री भी नहीं मानता था कि भाई ये इसराइल का पार्ट है, लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर जब डोनाल्ड ट्रंप शासन में थे और उससे एक साल पहले, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना जेरूसलम के अंदर यूएस की एम्बेसी खोल दी फॉर इसराइल। इसराइल एंड यूएस आर वेरी क्लोज अलाइज, तो इस चक्कर में बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि यार क्या अब यूएस मानता है कि जेरूसलम इज पार्ट ऑफ इसराइल, तो वो इनडायरेक्टली एक मानना हो गया था। अलक्सा मॉस्क को लेके भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। अलक्सा मॉस्क जो है ना वो एक बहुत ही ज्यादा रिलीजियस प्लेस है फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड और स्पेशली फॉर द पैलेस्टीनियंस। तो होता क्या है वहां पे ना, बहुत बार वॉयलेंस हो जाता है जब इसराइल की फोर्सेज वहां पे रहती हैं, तो इसको चल के बहुत लड़ाइयां होती रहती हैं, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखना क्योंकि ये आता रहता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। वेस्ट बैंक क्या है कि सर आप वेस्ट बैंक कहे जा रहे हो, तो लैंडलॉक टेरिटरी है, ठीक है, जॉर्डन टू द ईस्ट एंड ग्रीन लाइन सेपरेटिंग इट, इसराइल ऑन द साउथ, वेस्ट इन द नॉर्थ, ठीक है। तो ये आपका जो पोर्शन है ये क्या है, वेस्ट बैंक। मैप देखोगे समझ जाओगे सब कुछ। अभी कौन कहां पे रहता है, तो वेस्ट बैंक जो है वो जॉर्डन के द्वारा कैप्चर किया गया था 1948 अरब इसराइल वॉर में, 1967 में। ये 7 डे वॉर बोल रहा था ना मैं, ये 6 डे वॉर है यार, आई एम सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। तो 6 डे वॉर था, तो इसके बाद इसराइल ने वापस ले लिया था, इजिप्ट से भी चीजें वापस ले ली थी और सीरिया की फोर्सेज भी हरा दी थी। इजिप्ट, सीरिया एंड जॉर्डन तीनों की मिलीजुली फोर्स को 1967 के 6 डे वॉर में इसराइल ने हरा दिया था, ठीक है। तो यही चीज है। अब क्या है, काइंड ऑफ सारे जगहों पे सेटलमेंट है इसराइल का, इसराइल की फोर्सेस ही इन जगहों को कंट्रोल करती हैं और ये प्रेजेंट फैक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या ये सेटलमेंट जो इसराइल ने इन जगह पे बनाए गए हैं तो इलीगल हैं, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मानी जाए तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो ये कहती है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैव सेड दैट वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स आर वायोलेटिव ऑफ द फोर्थ जनेवा कन्वेंशन। फोर्थ जनेवा कन्वेंशन क्या है 1949 का, एंड ऑक्यूपाइंग पावर शैल नॉट डिपोर्ट और ट्रांसफर पार्ट्स ऑफ ओन सिविलियन पॉपुलेशन इन द टेरिटरी इट ऑक्यूपाइज। इसका मतलब क्या है, मैं आपको सीधे मतलब समझाता हूं कि भाई तुमने यहां पे सेटलमेंट बनाया हुआ, एक जगह है इस पे किसी ने सेटलमेंट बनाया हुआ है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, तो पहले तो आपका सेटलमेंट इलीगल है, प्लस फिर आपने यहां पे ना अपनी जनता को रहने के लिए भेज दिया, यहां पे आप ऑफिसेस खोल रहे हो, ये खोल रहे हो, तो ये बिल्कुल बिल्कुल वॉयलेशन है फोर्थ जनेवा कन्वेंशन 1949 का। रोम स्टैट्यूट दैट सेट अप इन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन 1988 वो भी यही चीज कहता है कि ये जो सेटलमेंट के अंदर आपने लोगों को ट्रांसफर किया है, जो आप अपनी चीजें एस्टैब्लिश कर रहे हो, इट इज इलीगल।